दिन में तकरार, रात को भरपूर वार। 11 घंटे बाद जिला इंतजामिया जाग उठी। हैवी मशीनरी से आलमगीर में मार्केट में 6 दुकानों को मिसमार किया, जबकि 250 के करीब बरामदे भी खाली करवा दिए गए। मुजाहमत से बचने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी भी ऑपरेशन में मौजूद रही। इसी हवाले से तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहाँ पर? हुकूमत की जानिब से देखा जाए एक स्टेप उठाया गया है जिसमें कब्ज़ा माफिया के खिलाफ और गैर कानूनी तामीरत के खिलाफ अगर बात की जाए, इस वक्त शालमी मार्केट में मौजूद और यहाँ पे इस वक्त रात के पैर भी जो है एंटी राइट फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है। ज़िला इंतजामिया भी जो है यहाँ पे दो बड़े प्लाजे जो हुसैन प्लाजा और शाहजमाल प्लाजा में इस वक्त जो है अभी गैर कानूनी तामीराती को जो है वहाँ पर तोड़ा जा रहा है। बड़ी हैवी इधर यहाँ पे मशीनें भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे कैमरामैन सलमान अभी भी आपको पीछे अंदर पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो है अभी भी यहाँ काम जारी है और दुकान की जो बरामदे हैं जो दो दो फुट आगे दुकानें बना दी गई थी उन लोगों को भी यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से साफ हदायत जारी कर दी गई हैं कि किसी भी ऑपरेशन में जो अगर मसाइल पेश करते हैं उन लोगों को जल्द से जल्द निपटाया जाए और कल तक जो है ये ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। जिसके बाद देखा जाए ये रात गए तक जो ऑपरेशन जारी है सारी रहेगा। 3 असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे मौजूद है, साथ साथ एंटी रॉयड फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगार वाक्य से जगह बचा जा सके। और साथ साथ आपको ये बताता चलूँ 250 से ज़ायद जो यहाँ पे दुकानें थी उनके अंदर से जो बरामदे बनाए गए थे दो दो फुट आगे उन लोगों को भी जो मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया है। और साथ साथ 6 दुकानें हैं उन्हें भी पूरी मुकम्मल तौर पर यहाँ पे तोड़ दिया गया इंतजामी की जानिब से। और देखा जाए अभी भी यह सिलसिला जारी और सारी है और सिलसिला पूरे रात तक जारी रहेगा। कल ये क्लीन किया जाएगा पूरा, देखा जाए शालिम मार्केट, इन्होंने मेन फोकस इनका यही है कि आज रात ये जो है मुकम्मल कर लिया जाए और कल जो है यहाँ पे क्लीन स्वीप किया जाए। जी